हरे कृष्ण। तो आज के इस कोट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति को भगवान का जो साक्षात्कार है वो उतनी ही मात्रा में होता है, या फिर अध्यात्म का साक्षात्कार कहिए, आध्यात्मिक साक्षात्कार कहिए, भगवान का साक्षात्कार कहिए, जो भी कहिए, परमात्मा का साक्षात्कार कहिए, ये उतनी ही मात्रा में होता है। ये जो आध्यात्मिक विज्ञान है उसका साक्षात्कार उतनी ही मात्रा में होता है जितनी उसकी शरणागति है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि यम यम वा विस्मरण भाव त्यजति अन्ते कलेवर। जो मुझे जिस भाव से स्मरण करता है अपने देह को त्याग करते समय, उसी भाव को वो प्राप्त होता है। और ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। और जो मुझे जिस प्रकार से शरणागत होता है उसी प्रकार से मैं उसके ऊपर कृपा करता हूँ, उसी मात्रा में। तो भगवान अपेक्षा करते हैं कि हम उनके शरणागत हो। और ये वो बात भगवद्गीता में कहते भी हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, भगवद्गीता का लास्ट इंस्ट्रक्शन है कि आप मुझे शरणागत हो जाओ, बाकी सब छोड़ो। मैंने जो भी बताया है वो ठीक है, आपके ज्ञान के लिए है, आपके संज्ञान के लिए है, लेकिन आपका कल्याण इसी में है कि आप बाकी सब कुछ छोड़ दो और मेरी शरण आ जाओ। जो व्यक्ति इस प्रकार से अनकंडीशनल शरणागति करता है, कोई हेतु न रखते हुए अहेतु की शरणागति को स्वीकार करता है, वो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। जितनी मात्रा में हमारी शरणागति है उतनी ही मात्रा में भगवान की कृपा है। हम करेंगे थोड़ा और चाहेंगे बहुत, तो ऐसा नहीं होता है। यही भगवान श्री कृष्ण के भक्ति का सिद्धांत है। परंतु यही भगवान कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो वो इस प्रकार से कोई भी अपेक्षा नहीं रखते। वो पात्र अपात्र देखे बिना भक्ति वितरित करते और बस इतनी अपेक्षा रखते कि आप भगवान के नामों का उच्चारण कीजिए। भगवान के नामों का उच्चारण करने से सब कुछ आ जाएगा, शरणागति भी आएगी, भक्तों का संग भी आएगा, भगवत तत्व का साक्षात्कार भी होगा और भक्ति में प्रगति भी होगी। इतना करने से सब कुछ प्रारंभ होता है और सब कुछ सिद्ध भी होता है। तो यही भक्ति का विज्ञान है। हम जितना शरणागत हो गए उतना प्राप्त तो होगा, और महाप्रभु की कृपा प्राप्त तो हो गई तो फिर केवल नाम उच्चारण से सब सिद्धि प्राप्त तो होगी। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। तो हरि नाम और हरि नाम ही केवल कलयुग के समस्त कलमशों को नाश करने वाला है, अन्य कुछ नहीं। हरे कृष्ण।